पे आते हैं। अब देखिए, हमें अपने फाइल को सिक्योर करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने ऑफिस में यूज किया था। बेसिकली मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लाइंट की क्रिटिकल फाइल है, राइट? और इस फाइल को दो लोगों को जब भी ओपन होता है, दो लोगों की मीटिंग में ओपन होता है, तो मैं इस फाइल के अंदर रैंडम पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। मैं इसका पासवर्ड जो है एक के पास होगा और फाइल दूसरे के पास होगा। बात समझ रहे हैं? एक जिसके पास फाइल होगा उसको पासवर्ड ना पता होगा, पासवर्ड दूसरे वाले से पूछेगा, और जैसे ही फाइल को बंद करेगा ऑटोमेटिकली पासवर्ड चेंज हो जाएगा। और जो पासवर्ड चेंज हुआ है इसकी इंफॉर्मेशन दूसरे वाले बंदे को पता चल जाएगी। तो मेल के थ्रू भी पता हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम सिस्टम टू सिस्टम कर रहे हैं, राइट सर? तो क्या होगा कि मेरे पास दो फाइलें हैं। एक फाइल मैं यहां बना रहा हूं, इसका नाम हो जाएगा हमारा डेटा, डेटा नाम होगा, और इसको मैं अपने ड्यूरेशन ई ड्राइव में रख दे रहा हूं, डेटा वाली। दूसरा हमारा जो फाइल है वो हमारा पासवर्ड का फाइल है, पासवर्ड, ये हमारा नेटवर्क ड्राइव में सेव होगा। सर थोड़ा रिकॉर्डिंग का परमिशन देते, बस दे रहा हूं। ये आईपीटी इंडिया के अंदर मान लीजिए सेव हो गया। ठीक है, पासवर्ड फाइल में भी पासवर्ड लगा है, इसमें पासवर्ड नहीं लगाया था, मैं पासवर्ड लगा देता हूं इसमें प्रोटेक्ट। इसका पासवर्ड जो है, इस फाइल का पासवर्ड सिर्फ इस फाइल के ऑनर को पता है, ये नहीं तो वीवीए कोड में डाला हुआ है। इसका पासवर्ड फिक्स है, ठीक है। और जो हमारा डेटा वाला फाइल है, चलिए इसको ओपन करते हैं। किसी को रिकॉर्डिंग की परमिशन चाहिए थी? विघ्नेश्वर साहू जी, बड़ा लेट आया आप आज। तो अब मैं चाहता हूं कि जैसे इसे बहुत सारा डेटा है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, डेटा जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैं चाहता हूं जैसे ही फाइल पे काम करके बंदा क्लोज करे, एक पासवर्ड जनरेट करे ओटीपी टाइप का, और उस पासवर्ड की डिटेल वो दूसरे वाली पासवर्ड फाइल में जाके राइट कर दे। तो चलिए इसकी प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना आप लोगों को, क्वेश्चन क्या है? तो दिस वर्कबुक में आते हैं, यहां पे वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं, और यहां पे ओपन नहीं, बिफोर क्लोज हम करेंगे। क्या करेंगे? बिफोर क्लोज। यहां देखिए होगा, फाइल को क्लोज करने से पहले, बिफोर क्लोज। बिफोर क्लोज में हम यहां सबसे पहले यहां देंगे कि डिम आर एज ए लॉग। ठीक है, उसके बाद यहां हम देंगे R इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट रैंड बिटवीन, और यहाँ पे वन वन, यहाँ रैंड बिटवीन ब्रैकेट में हम देते हैं 111, फोर डिजिट का हम रखते हैं। ठीक है, या सेवन डिजिट, जितना डिजिट करना है उतना डिजिट यहाँ पे डाल सकते हैं, 999। तो ये क्या है, रैंड बिटवीन एक्सेल पे भी वर्क करता है। तो जैसे कि हम रैंड बिटवीन हमने फॉर्मूला बीवीए में लगाया, हमने चार बार वन कर दिया और यहाँ पे पांच, चार बार नाइन कर दिया, तो ये चार डिजिट की कोई भी नंबर मुझे शो करेगा, चार डिजिट की कोई भी नंबर शो करेगा। समझ गए? यानी हर बार ये अलग अलग होगा। और फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा वर्क बुक डॉट ओपन। किसको ओपन करना है? तो जो हमने नेटवर्क ड्राइव में डाला हुआ है ना ये फाइल पास का, वो यहां पे मुझे डालना है स्लैश पास डॉट एक्सलेस एक्स। ओपन होगा,
और लेकिन ये ओपन प्रोटेक्टेड है तो ऐसे तो ओपन होगा नहीं, तो हमें इसका पासवर्ड डालना होगा, पासवर्ड 1 2। ठीक है, अब इसको कोड को भी हम प्रोटेक्ट कर देंगे ताकि कोई कोड में जाके पासवर्ड ना देख पाएगा। इसके शीट्स 1 के रेंज A1 पे डॉट वैल्यू इक्वल टू R, और फिर हम यहाँ पे एक्टिव, क्योंकि जो फाइल ओपन है वही एक्टिवेट है, वर्कबुक डॉट सेव एंड एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज, और यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। उसके बाद यहाँ हम लिखते हैं जो फाइल हमारा खुला हुआ है वर्क बुक्स, यहाँ पे हम देते हैं डेटा डॉट xlsm डॉट पासवर्ड इक्वल टू r, और एक्टिव, इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे डॉट सेव, ओके। लेकिन एक बार मुझे इस अपने इस फाइल को सेव एज करना होगा XLSM में, क्योंकि XLSX में गलती से सेव हो गया है। ठीक है, XLSM हो गया। अब मैं अपने इस फाइल को क्लोज करता हूं, लेकिन इससे पहले मेरा माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल होना चाहिए, वरना माइक्रो रन ही नहीं करेगा। अब देखिए पासवर्ड में जाइए, कि हमने 1 2 पासवर्ड है कि ओपन किया, एक मिनट, इसे तो पासवर्ड डाला ही नहीं इसमें, पास डॉट एक्सलेस में, ओ गबर हो गई सर, ये तो प्रोटेक्टेड है, तो इसका पासवर्ड तो भूल गया। दोबारा इसको करते हैं सर, चलिए मैं एक सबसे पहले एक फाइल लेता हूँ, डेटा फाइल, कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए क्योंकि फाइल इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेटा यहाँ पे डॉट सेव, उसके बाद यहाँ पे हम सिक्योरिटी में जाकर देखते हैं, अनेबल है, माइक्रो विजुअलाइजेशन पे आते हैं, दिस वर्कबुक बिफोर क्लोज, बिफोर क्लोज पे नहीं देते, इसको ओपन पे देते हैं, ओपन पे करते, बिफोर क्लोज पे भी होना चाहिए, लेकिन बिफोर क्लोज में कोई भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर वो फाइल ओपन नहीं हुई दिक्कत हो जाता है, तो बिफोर क्लोज नहीं, हम यहाँ पे ओपन पे दे देते हैं। ओपन में हम सबसे पहले ध्यान करते हैं डिम आर एज ए लॉन्ग, फिर आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट रैन बिटवीन
और यहाँ पे हमने नोड 1111.999 कर दिया क्योंकि आर पे स्टोर है। उसके बाद मैं यहाँ पे वर्क बुक बुक्स डॉट ओपन, ये हमारा जो ड्राइव है नेटवर्क ड्राइव जिसको मैप कर रखा है मैंने, इस ड्राइव के अंदर जे फुल में 2000 pass.xls एक्स होगा ना, ये पाथ देख लेते हैं एक्सलेस होगा, pass.xls इसमें पासवर्ड लगा है तो हमने पासवर्ड पे 12 पे जाना होगा और फिर इसके शीट पहले वाली शीट पे जाना है सेलेक्ट, तो फिर इसको रेंज a1.value इक्वल टू r कर देना है और फिर एक्टिव इसको क्लोज कर देते हैं पहले, वर्क बुक्स वर्क बुक्स और यहाँ पे जो हमारा फाइल ओपन है वो है पास पास डॉट एक्सलेस एक्स हमने जब बोला डॉट क्लोज और हमने इसको कर दिया ट्रू, इसे सेव करते हुए क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर हम वर्क बुक्स और ये हमारा डेटा है डेटा डॉट एक्सलेस एक्स एक्सलेस एम माफ कीजिएगा डॉट पासवर्ड इक्वल टू आर, ये यहाँ पे वर्क अच्छा डबल बी हो गया इसलिए ऐसा बड़ा नहीं हुआ कैपिटल क्लोज ट्रू सही है। अब इस कोड को हम थोड़ा सा क्लोज पे भी करते हैं, बिफोर क्लोज ठीक है, एक अभी फिलहाल बिफोर क्लोज नहीं करते हैं, फिलहाल बिफोर क्लोज हटा देते हैं, एक बार ओपन पे कोड देख लेते हैं, ओपन कर लेते सेव किया और फिर इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पे कुछ अलग है, ओके 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 हमने दिस वर्कबुक में दिया हुआ है तो यहाँ मुझे पूरा पाथ देना पड़ेगा, वर्क बुक्स चलिए, अब एक बार हम पास वाले फाइल को ओपन करते हैं, आ गया सर 3187 ठीक है सर। अब मैं डेटा वाले फाइल को क्लोज करता हूं, सेव करके हमने क्लोज कर दिया। अब 3187 जिसका पासवर्ड है और फिर वापस मैं अपना डेटा फाइल को ओपन करता हूँ,
अब डेटा फाइल को ओपन करने के लिए जब ये आपको एक दूसरा पासवर्ड वाले फाइल की ज़रूरत है तो 3178 हमने डाल के ओके किया, तो अब मेरा फाइल एक खुल गया सर डेटा फाइल, समझे सर। तो जब भी इस फाइल को खोलना होगा तब क्या करना होगा, चलिए अब इसको हम क्लोज पे लगाते हैं क्योंकि मेन फंक्शन हमारा क्लोज पे होना चाहिए था। अच्छा ओपन भी तो हो गया, वो भी ठीक है, लेकिन मुझे क्लोज पे होता तो ज़्यादा बेटर रहता। तो बिफोर क्लोज, हमने बिफोर क्लोज पे क्लिक किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। अभी जो पासवर्ड वाली फाइल थी हमारी उसमें वह 3187 पासवर्ड था ना सर, मैं इसको एक बार इसको सेव कर देता हूँ फिर इसको क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए हम अब वापस आते हैं पासवर्ड वाले फाइल पे। हमने पासवर्ड डाला, यहाँ पे 8232 फाइल है ना, 8232। अब चलिए हम वापस इस वाले फाइल को ओपन करते हैं, डेटा वाले फाइल, यहां हो जाएगा 8232। तो अब जो इसने अब जैसे कि इसने फाइल को ए कर दिया है, पासवर्ड चेंज, ओपन होने पे ही पासवर्ड चेंज कर रहा है और क्लोज होने पे भी पासवर्ड चेंज कर रहा है, दिख रहा है सर आपको। तो समझ में आया आपको कि क्या हुआ, तो डबल सिक्योरिटी है सर। इसको आगे ऐसा कर सकते हैं कि मेल जैसे ही फाइल क्लोज करेगा वो उसका पासवर्ड मेल कर देगा, जीमेल के थ्रू मेल कर देगा, जैसे फाइल क्लोज होगी फाइल की जो है पासवर्ड है वो मेल हो जाएगी। बट मेल बार में रिस्क होता है कि मान लीजिए कि आपका इंटरनेट पे प्रॉब्लम हुआ, मेल सूट नहीं हुआ क्योंकि पासवर्ड तो जनरेट हो गया ना, समझ रहे हैं। अब मेल नहीं गया तो पासवर्ड कहीं स्टोर हुआ नहीं तो फाइल लॉस्ट हो जाएगा। तो फाइल सिस्टम सही था तो हमने नेटवर्क ड्राइव में दो पीसी पे हमने पासवर्ड रखा था, एक फाइल का पास जिसमें पासवर्ड है। बोलिए, क्लोज का थोड़ा समझ में नहीं आया, क्लोज करने के टाइम में कैसे पासवर्ड आता है, क्या मतलब ये क्लोज के टाइम में कैसे पासवर्ड लिए आता है। जैसे नहीं, जैसे होता क्या है बताता हूँ आपको, VVA प्रोग्रामिंग के अंदर में हमारे पास इवेंट है, हमने जो प्रोग्राम लिखा है उसको रन कब करना है। जनरली तो आप ये जानते हैं कि आप माइक्रोज में जाके यहाँ से माइक्रोज लिस्ट में रन करते हैं ना सर, लेकिन हमने जो लिखा इवेंट, इवेंट में क्या होगा कि इस डेटा फाइल को, जो डेटा फाइल को जब कोई क्लोज करेगा तो मेरा माइक्रो रन कर जाएगा या जब कोई ओपन करेगा तो मेरा माइक्रो रन कर जाएगा। इस माइक्रो को रन करने के लिए कोई बटन नहीं है, इवेंट है कि जब आप फाइल ओपन करोगे तो माइक्रो चलेगा नहीं तो नहीं चलेगा, इसको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं चला सकते। अच्छा, तो ये इवेंट प्रोग्रामिंग कहलाता है कि किसी पर्टिकुलर एक्शन पे आपकी कोड वर्क करना शुरू कर दे, यानी कि वो क्लोज करने के टाइम